Praise the Lord. Jai Masih Ki. इस गीत के पहले मैं उस गीत के बारे में जो गवाही है, इस गीत के पीछे जो गवाही है, वो गवाही मैं आपको आज सुनाना चाहता हूँ। 7-8 साल पहले मैं बीजापुर एक कन्वेंशन में गया था और वहाँ पर एक भाई मुझे मिला, वो अपने घर मुझे लेकर गया ब्रेकफास्ट के लिए। फिर वहाँ जाने के बाद उसने मुझे उसके जीवन की गवाही सुनाई। उसने बताया कि एक समय था कि मैं भीख मांगता था, ऐसे भीख मांगते मांगते एक परमेश्वर का दास मेरे सामने आया और उसने मुझे यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार सुनाया। उसने कहा कि मेरे पास तुझे देने के लिए यही है, एक शुभ संदेश, एक अच्छा समाचार। उसने सुसमाचार सुनाया। उसके बाद वो उसने कहा कि जब भी तू संकट में, मुश्किल में पड़ेगा, तो तू केवल यीशु मसीह को याद करना, वही तुझे संकट से, मुश्किल से, हर स्थिति से छुड़ाएगा। कुछ दिन के बाद वो भाई बहुत परेशान हो गया और उसने सोच लिया कि मैं अपने जीवन को खत्म कर दूं। उसने शराब का बोतल लिया, पॉइजन का बोतल लिया। बहुत दूर जंगल में जाने के बाद वहां पर उसने वो मिक्स करके पी लिया और उसके बाद वो तड़पने लगा, चिल्लाने लगा, उसको बहुत तकलीफ होने लगी। बहुत उसने इसको उसको पुकारा, कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया क्योंकि वो वीरान जंगल था, वहां पर छुड़ाने वाला कोई भी नहीं था। बहुत चिल्लाने के बाद, तड़पने के बाद वो अंतिम सांसें ले रहा था, उसकी दिल की धड़कनें जो है बढ़ते जा रही थी। फिर उसको याद आया कि वो परमेश्वर के दास ने मुझे एक बात बताई थी कि जब भी तू संकट में पड़ेगा, मुश्किल में पड़ेगा, तू यीशु मसीह को याद कर, उसके नाम से तू उसको पुकार, वह जरूर तुझे उस संकट से और वो मुश्किल से छुड़ाएगा। तुरंत उसने याद किया, उस नाम को याद किया और जोर से चिल्लाया, हे यीशु मसीह, अगर तू सच्चा परमेश्वर है तो तू मुझे बचाएगा। और सचमुच प्रियो, यीशु मसीह ने उसको छू लिया और वो भाई कुछ देर के बाद होश में आया, अच्छा हुआ, चंगा हुआ। और उसने सचमुच उसका जीवन जो है परमेश्वर ने बदल दिया। उसने निर्णय लिया, इसके बाद मैं केवल यीशु मसीह की ही सेवा करूंगा, परमेश्वर की ही सेवा करूंगा। और वो उसके बाद परमेश्वर की सेवा करने लगा। आज वो बहुत बड़ा कलीसिया का वो पासवान है। हमारा परमेश्वर कितना महान है प्रियो, एक आत्महत्या करने वाले इंसान को वो बचाता है। जो कोई आत्महत्या करने का सोचता है, मैं उसको बताना चाहता हूं, मेरे भाई, हाथ जोड़कर मैं विनती करता हूं, ये आत्महत्या का विचार आपके मन में कभी नहीं लाना, क्योंकि आत्महत्या करने वाले स्वर्ग में नहीं जाएंगे, स्वर्ग में नहीं जाएंगे।
आज हम देखते हैं कितने किसान, कितने भूख से तड़पने वाले लोग आत्महत्या कर रहे हैं। लेकिन मेरी विनती है प्रभु में, मैं आपको विनती करूंगा कि कभी भी आत्महत्या का ना सोचो, क्योंकि आत्महत्या बहुत बड़ा गुनाह है। प्रियो, ये जो गवाही है, ये गवाही लगातार, ये गवाही सुनने के बाद लगातार मेरे दिमाग में 3-4 दिन वही गवाही को मैं सोचता रहा। वो शब्द उसके मेरे दिमाग में घूम रहे थे। मैं एक प्रार्थना में बैठा, प्रभु मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, तू इसमें क्या चाहता है। तब प्रभु ने मुझे ये गीत दिया, पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा की अगुवाई से ये गीत दिया। और ये गीत मैंने लिखा, रिकॉर्ड किया। धड़कने जब बढ़ती है, सांसें जब रुकने लगती है, तो पुकारना यीशु को, याद करना यीशु को। आप यीशु को याद करो, जरूर यीशु आपको बचाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष करे। धड़कने जब बढ़ने लगी तो, सांसें जब रुकने लगी तो, धड़कने जब बढ़ने लगी तो, सांसें जब रुकने लगी तो, मुश्किल में जब तू पड़ जाए तो, मुश्किल में जब तू पड़ जाए तो, पुकारना यीशु को, याद करना यीशु को, पुकारना यीशु को, याद करना जानता है, तेरे नाम से तुझे पहचानता है। यीशु मसीह तुझे जानता है, तेरे नाम से तुझे पहचानता है। जीवन की नैया डूबने लगी तो, जीवन की नैया डूबने लगी तो, डरना नहीं, यीशु ही किनारा है। पुकारना यीशु को, याद करना धड़कने जब बढ़ने लगी तो, सांसें जब रुकने लगी तो, धड़कने
जब बढ़ने लगी तो सांसें जब रुकने लगी तो मुश्किल में जब तू पड़ जाए तो मुश्किल में जब तू पड़ जाए तो पुकारना यीशु को याद करना यीशु को पुकारना यीशु को याद करना याद करना।